भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली ने शुक्रवार को कहा कि वो भविष्य में निश्चित रूप से टीम इंडिया का कोच बनना चाहते हैं, मगर इस वक्त इस हाई प्रोफाइल पोस्ट में उनकी कोई रुचि नहीं है। टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री का कार्यकाल फिलहाल अंतिम दौर में है, वेस्टइंडीज दौरे के बाद ही ये समाप्त हो जाएगा। BCCI के मुख्य कोच और कोचिंग स्टाफ को लेकर आवेदन भी मांगे गए थे, जिसकी अंतिम तारीख 30 जुलाई को अब पूरी हो चुकी है। गांगुली ने साफ कहा कि अब एक फेज और गुजर जाने दीजिए, इसके बाद मैं अपने नाम इस दौड़ में आगे बढ़ाऊंगा। फिलहाल मैं कई चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, IPL, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल और TV कमेंट्री, पहले इन्हें ख़त्म करने दीजिए, इसके बाद ये काम भी दिमाग में है, मैं इसके लिए तैयार हूँ, मगर अभी नहीं, भविष्य में कभी। BCCI ने मुख्य कोच और कोचिंग स्टाफ के चयन के लिए एक क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी गठित की है। इसमें कपिल देव, अंशुमन गायकवाड़ और शांता रंगास्वामी को नियुक्त किया गया है। बताया जा रहा है कि शास्त्री एक बार फिर आवेदन देंगे, उन्हें कप्तान कोहली का समर्थन मिलेगा। गांगुली ने भी कहा कि मैं आवेदकों के नाम देख सकता हूं, इनमें से कोई बड़ा नाम नजर नहीं आया। मैंने सुना था कि शायद महेला जयवर्धने आवेदन देने वाले हैं, मगर आखिर में उन्होंने आवेदन नहीं दिया। इस बार कोई बड़े नाम नहीं है जिन्होंने कोच पद के लिए आवेदन दिया है। गांगुली ने बताया कि मैं नहीं जानता कि पैनल क्या तय करेगा, वो सभी पहलुओं को देख रहे हैं। हम देखना चाहेंगे कि कोच को कितना लंबे समय दिया जाता है। बहुत सारे नामों ने वैसे भी आवेदन नहीं दिया है, इस बारे में मेरी भी अपनी एक सोच है, मगर मुझे नहीं लगता कि फिलहाल ये सही समय है टीम इंडिया का कोच बनने का। यानी कहीं ना कहीं दादा ने यह तो कह दिया है कि विराट और शास्त्री की जोड़ी को वो भी अब फिलहाल नहीं देखेंगे, और वो अगर आने वाले समय में टीम इंडिया के कोच बनेंगे तो शायद विराट कप्तान नहीं होंगे। ANP न्यूज़ रूम से अभिलाष की रिपोर्ट।